गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज का मौसम कितना अच्छा है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना आज सिनेमा हॉल में किंग कॉन्ग वर्सेस गोडजिला देखने जाया जाए। ऐसा करता हूँ, चोप को भी ले चलता हूँ। अभी चोप मेरे साथ मूवी देखने चलेगा? हाँ भाई चलूंगा ना, लेकिन कौन सी मूवी देखने जाएंगे? गोडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, क्योंकि मेरे को डर लगता है। चल ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस आज मेरे को मूवी अकेले ही देखना होगा। पर एक मिनट, ये लोग कौन है? चलो इनसे बात करता हूँ। अभी छपरी लोग कौन हो तुम? भाई तू हमें भूल गया, पर मैं तेरे को नहीं भूला। चल निकाल मेरे पैसे। अभी मेरे को याद आया, मैंने तुमसे पैसे लिए थे। हाँ भाई मेरे को अभी के अभी चाहिए। तुम लोग यही रुको, मैं लेके आता हूँ। अभी मेरे को इनको मारना होगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। चलो इनको जला देता हूँ। इनकी तो बैंड बच गई, लेकिन मेरे को इस आग को बुझाना होगा। चलो गाइस अब यहाँ से चलते हैं, कहीं मैं मूवी हॉल पहुँचने में ज्यादा लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को गोडजिला और किंग कॉन्ग को बड़े पर्दे पर देखना है। अभी ये लोग कौन है? गाइस इन्होंने तो मेरे पे हमला कर दिया, मेरे को यहाँ से भागना होगा। अभी नहीं ना, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। गाइस मेरे को लगता है थोड़ी देर पहले मैंने जिन लोगों को मारा था शायद ये उनके ही साथी है। गाइस मेरे को कैसे भी इनसे पीछा छुड़वाना होगा। चलो कार को तेज स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इतनी तेज स्पीड में वो मेरा पीछा कर पाएंगे। पर ये मैं कौन सी जगह आ गया? चलो गाइस इसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। अबे हटे ना साइड में। ओ, ओ, मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये तो मेरे को कोई चाइनीज टेंपल लग रहा है, पर मैंने इसकी जितनी शानदार जगह इस गेम के अंदर आज तक नहीं देखा। देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है, पर यहाँ पर तो कोई है नहीं। ओ माय गॉड, गाइस ये ड्रैगन कितना रियल लग रहा है, और इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है, कहीं ये जिंदा ना हो जाए। गाइस देखो वो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा करता हूँ सामने की तरफ जाकर छिप जाता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पे तो दो दो शेर है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इतने सारे बंदर क्या कर रहे हैं? ये पत्थर पर चाइनीज में क्या लिखा हुआ है? चलो इनसे बात करके देखते हैं। हेलो क्या आप सभी मंकी मेरी हेल्प करोगे? बताओ बच्चा क्या सहायता चाहिए? क्या आप मेरे को सुपर पावर्स दे सकते हो? उसके लिए तेरे को ये मुर्गी खाना होगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा रोज का काम है। अरे बाप रे ये क्या हो गया? गाइस मैं तो किंग कॉन्ग बन गया, देखो मैं कितना बड़ा हो गया। मेरे को लगता है उस मुर्गी के अंदर उन बंदर ने काला जादू कर रखा था। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अबे मैं इतना ऊपर उछल भी सकता हूँ? गाइस मेरे को तो चलने में अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं पहले कभी भी इतना बड़ा दानव नहीं बना था। चलो भाग के देखते हैं ये तो कितना तेज भाग सकता है। अब मैं जंप करने वाला हूँ और ये बूम, अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखो गाइस सड़क पर गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी लग रही है, मानो जैसे कोई खिलौना हो। रुको इनमें से किसी को उठाता हूँ। अब मैं इसको कहाँ पे फेंकूँ? इन कारों के ऊपर ही फेंकते हैं। गाइस किंग कॉन्ग के लिए कमेंट में ओपी पावर जरूर टाइप कर दें। यार ये रास्ता तो काफी पतला है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा, या मेरे को लगता है मैं ही ज्यादा बड़ा हो गया। गाइस क्यों ना ऐसा करते हैं, मैं इस हाईवे पर लेट जाता हूँ, देखते हैं फिर गाड़ियाँ कैसे निकलेगी। ओ भाई साहब इसने तो हाईवे को जाम कर दिया। इन बेचारे लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। चलो इनको मेरी पावर दिखाता हूँ और ये बूम। अरे ये तो बच गए, पर अब नहीं बचेंगे। ओ माय गॉड मैंने तो इनकी बैंड बजा दी। अबे ओए ये चोपर कहाँ से आ गया? रुको इसको पकड़ता हूँ। अबे मैंने तो इसको सच में पकड़ लिया। अब इसको सामने वाले चोपर पर फेंकता हूँ। गाइस देखा क्या हुआ? गाइस मेरे को शहर से दूर जाना होगा, लेकिन ये जगह भी ठीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ना ही गाड़ियाँ हैं और ना ही इंसान है जिससे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाऊंगा। अरे नहीं ना यार, आर्मी तो मेरे को पकड़ने यहाँ पर भी आ गई। रुको मैं इसको पकड़ता हूँ। क्यों बे मेरे को मारेगा तू? रुक तुझे नर्क में भेजता हूँ। गाइस इस शानदार सीन को देखकर किंग कॉन्ग के लिए एक लाइक तो बनता है। यार ये तो जमीन पे भी आ गए, इनकी तो ऐसी की तैसी। गाइस मेरे को लगता है मेरे पीछे कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से इस शहर को छोड़कर किंग कॉन्ग की दुनिया में चलते हैं, पर मेरे को पहले वहां जाने का रास्ता ढूंढना होगा। देखो ये पहाड़ों को कितनी आसानी से उछलकर पार करे जा रहा है। गाइस अब मैं आगे और नहीं जा सकता, क्योंकि भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो गई। मेरे को यहीं पर रुककर आराम करना चाहिए। पर ये आवाज कैसी है? ये मेरे पीछे कौन है? अरे बाप रे ये इतना बड़ा रोबोट कहाँ से आया? रुको मेरे को इसको मारना होगा। यार मेरा निशाना चूक गया। अबे ये तो मेरे को मार रहा है। अबे छोड़ 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 मेरे को छोड़, इसने तो मेरे को फेंक दिया। गाइस मैं ट्रेन से टकराने वाला हूँ। नहीं बच गया। देखो ये कैसे मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मेरे को लगता है इसको इंसानों ने मुझे मारने के लिए भेजा है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इसको जान से मार डालू। चलो ऐसा करते इसको उठाकर कहीं दूर फेंक देते। कमोन 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 मर जा। गाइस मेरे को लगता है वो मर गया। सरप्राइज। अबे नहीं ना यार ये तो जिंदा है। रुको इस बार इसको उठाकर पानी के अंदर ले जाकर फेंक देता हूँ, क्योंकि इसके पानी के अंदर जाने के बाद इसकी मशीनों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हो सकता है कि ये मर जाए।
गाइस उसके अंदर तो कोई हलचल नहीं हो रही, मेरे को लगता है वो मर गया। पर ये मेरे को क्या होने लग गया गाइस, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को लगता है उस मुर्गी को खाने का असर मेरे अंदर से खत्म होता जा रहा है। ओ भाई साहब, मैं तो वापस से फ्रैंकलिन बन गया। चलो गाइस अच्छा हुआ, अब मैं घर जा सकता हूँ। ओ भाई 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 भाई, गाइस इस बड़े रोबोट के अंदर से कितने सारे छोटे छोटे रोबोट निकल आए, अब मेरे को भी इनको खत्म करना होगा। चलो आखिर मैंने इनको भी मार डाला, देखो ये दिखने में कितना खतरनाक था। अब इससे पहले कुछ बुरा हो मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। ओ माय गॉड, ये गॉडजिला कहाँ से आ गया। गाइस सोचो अगर किंग कॉन्ग शहर को इतना तबाह कर सकता है तो ये गॉडजिला क्या नहीं करेगा। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखें, और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।